SMZ News, खबर नहीं आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा की है और साथ ही देश के विभिन्न सेक्टर्स में संजीवनी देने के लिए 20 लाख करोड़ राहत पैकेज देने का ऐलान किया, जो देश के जीडीपी का 10% है। आइए जानते हैं विस्तार से। पीएम के संबोधन पर तमाम राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि इसमें उन्होंने निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी पहल पर विकास की जरूरत पर बल दिया है। मायावती ने लिखा है, बीएसपी का मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अति अहम मामले में प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी पहल व इसके जरिए देश की पूंजी में विकास की ज्यादा जरूरत है और इस पर ईमानदारी से अमल करने से ही गरीबी व बेरोजगारी सहित देश की अन्य और भी मूलभूत समस्याओं का समाधान संभव है। जबकि एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार के पास नकदी प्रवाह केवल 4 लाख करोड़ है, बाकी RBI ने 8 लाख करोड़ का नकदी प्रवाह मार्केट में डाला है। सरकार के पास 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज है, 1 लाख करोड़ गारंटी फीस है। इससे पहले पी चिदंबरम ने बुधवार को ट्वीट में कहा, कल पीएम ने हमें एक हेडलाइन और एक खाली पेज दिया। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी खाली थी। आज हम उस खाली पन्ने को भरने के लिए वित्त मंत्री की तरफ देख रहे हैं। हम ध्यान से हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे जो सरकार वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में डालेगी, ब्लूप्रिंट रखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।